वीकेंड का वार हो और सलमान खान की एंट्री हो तो हर किसी को मजा आ जाता है। आज तो सलमान ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। मैं हिना कुमावत फिल्म विंडो पर आज के बिग बॉस का रिव्यू लेकर आई हूँ। सिद्धार्थ शुक्ला शो रन कर रहे हैं। अरे, सलमान खान ने यही तो बात बोली कि सिद्धार्थ शुक्ला शो रन कर रहे हैं। आखिर सिद्धार्थ शुक्ला रन कर रहे हैं शो, ऐसा सलमान ने क्यों बोला? दरअसल इसके पीछे सलमान का जो रीज़न था बहुत ही वैलिड था। सलमान का ये कहना था कि सिद्धार्थ को छोड़कर घर के जितने सदस्य हैं उन सबको सिद्धार्थ से जो है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है और हर कोई सिद्धार्थ का मुद्दा लेकर ही आता रहता है। तो ये बात तो जाहिर है कि अगर बार बार हर कोई सिद्धार्थ का मुद्दा लेकर आ रहा है, मतलब हर कोई सिद्धार्थ से इनसिक्योर फील कर रहा है। और सिद्धार्थ ने पारस की उंगली तोड़ी थी और मायरा को गिरा दिया था। पिछले हफ्ते दर्शकों ने पूरा हफ्ता इसी पर जो है बहुत सारी बहस और झगड़े देखे हैं घर के अंदर। हमने भी देखे, घर के अंदर वाले भी जो लोग हैं इस झगड़े से परेशान हो गए। लेकिन सलमान खान ने क्या कहा? सलमान खान ने बोला कि उन्होंने इस फुटेज को बहुत बारीकी से देखा है और पारस की उंगली सिद्धार्थ की वजह से टूटी ही नहीं। और माहिरा को उन्होंने क्या बोला? माहिरा को बताया कि अगर सिद्धार्थ में अग्रेशन है तो तुम उससे दूर क्यों नहीं रहती हो? पिछले एपिसोड में डॉली बिंद्रा थी और इस एपिसोड में मायरा बिंदास है। तुम इतनी आवाज़ करती हो कि सारे स्पीकर फट जाते हैं। दर्शकों की शिकायतें आ रही ही हैं कि हमारे घर के सारे स्पीकर जो है वो फट चुके हैं। तो सलमान ने जो है मायरा को लेकर आज बहुत चुटकी ली, यहाँ तक कि मायरा रो भी पड़ी। लेकिन उन्होंने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया कि हर चीज़ में जब सिद्धार्थ को निशाना बनाया जा रहा है तो ऐसा नहीं है कि हर चीज़ में सिद्धार्थ शुक्ला ही गलत है। दरअसल उसको टारगेट बनाया जा रहा है क्योंकि वो उनको जो है शो में लोग देखना चाहते हैं और हर किसी को पता है कि सिद्धार्थ जो है अच्छा गेम खेल रहे हैं। वहीं माहिरा ने बोला, अच्छा ठीक है, मैं अपनी गलती मान लेती हूँ, सिद्धार्थ नेक इंसान है और वो जो है शो का सबसे महान है। तो सलमान ने तुरंत माहिरा को बोला कि ये नौटंकी बंद कर दो। तो सलमान ने जो है आज सिद्धार्थ का दर्शकों को लगेगा कि पक्ष लिया, लेकिन मैं एक बात साफ कर दूंगी कि जब घर में इतने सारे लोग हैं तो हर कोई बार बार सिद्धार्थ को ही क्यों निशाना बना रहा है? कुछ तो कारण होगा, वही सलमान भी सबसे जानना चाह रहे थे। अब मैं बात करूंगी सना की। सना को भी जो है सलमान खान ने उनकी भी अच्छी क्लास ली। सना भी रोई है। सना को उन्होंने बोला कि तुम भाई क्या हुआ, 5 हफ्ते तो सिद्धार्थ तुम्हारे दोस्त थे ना, तो अब क्या हो गया? तो सना ने बोला, साफ साफ बोला कि जो चीज़ मेरी है मुझे लगता है मेरे पास रहे। नए कंटेस्टेंट के आने के बाद वो उनसे घुले मिले, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरी चीज़ मेरे पास रहनी चाहिए। यानी सना ने खुलेआम बोल दिया कि उन्हें सिद्धार्थ पसंद है और उनको ये बात पसंद नहीं आई कि वो बाकी लोगों से घुले मिले। वहीं सिद्धार्थ से जब पूछा गया तो सिद्धार्थ ने एक बात साफ कर दी और वो इसी बात पर पिछले हफ्ते से अड़े भी रहे हैं। जब भी उनकी बातचीत हुई है घर के दूसरे लोगों के साथ, उन्होंने बोला है कि जिस तरह से सना ने यूटर्न मारा वो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, वो हम सब ने देखा कि सना ने एकदम से अपना गेम पलट दिया और इस तरह से बिहेव करने लग गई कि वो जानती ही नहीं कि सिद्धार्थ कौन है। अब है सना और हिमांशी का मैटर। सलमान खान ने जो वर्डिक्ट दिया आज बिग बॉस के वीकेंड का वार में जो हुआ, उससे एक बात साफ थी कि सलमान को लगता है कि जो भी कॉन्ट्रोवर्सी घर के बाहर हुई सना और हिमांशी की, उसमें सना जिम्मेदार थी। उनको लगता है कि कॉन्ट्रोवर्सी जब हिमांशी अपना गीत लेकर आ रही है उसके बारे में सना को बोलने की क्या ज़रूरत है, और अगर बोल भी रही हैं तो फिर घर वालों तक जाने की क्या ज़रूरत है। और ये बात हमें भी सही लगती है कि अगर दो आर्टिस्ट के बीच में लड़ाई है तो उनको हिमांशी के घर वालों को बोलने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन मैं एक बात और बता दूं कि ये सारी लड़ाई में हिमांशी ने भी सोशल मीडिया पर बहुत सारे वीडियो वायरल किए थे जो हम सब ने देखे हैं। तो आग जो है दोनों तरफ से लगी थी, ताली जो है दोनों तरफ से बजी थी, ऐसा नहीं था। लेकिन शुरुआत जो है सना ने की थी, ऐसा बिग बॉस को यानी सलमान को लगता है। और सना ने बोला भी कि आप सारी कॉन्ट्रोवर्सी शुरू से जाकर देखें। तो सलमान ने बोला कि तुम लगी रहो, जो तुमने गलती की है वो की है। तो एक बात तो साफ है कि सलमान जो है जो सही था गलत था जो उन्हें लगता है जो, और वो जो सारा देख कर आए थे उन्होंने वो सारी बात कही। खेसरी लाल की भी उन्होंने क्लास ली। केसरी लाल यादव ने आकर जो गेम खेलना शुरू किया था सबको ये बताने का कि मैं बाहर से गेम देखकर आया हूँ और मुझे पता है कि कौन अंदर कैसा है। तो सलमान ने उनसे कुछ ऐसे सवाल पूछे बिग बॉस के घर को लेकर जो उन्हें नहीं पता थे। दरअसल वो उनको आईना दिखाना चाहते थे कि तुम जिस तरह का झूठा गेम खेल रहे हो और लोगों में इस ये सब झूठ बोलकर पॉइंट गेन करना चाह रहे हो, वो गेम मत करो, वो गेम गलत है। फिर बारी आई पूना वाला।
जिसको उन्होंने नो सीन वाला बोल दिया, और पूना वाला जो है घर से बाहर हो चुके हैं। लेकिन मैं बोल देती हूँ कि पूना वाला जो है घर से बाहर होने में मुझे नहीं लगता कि गेम पे कुछ फ़र्क पड़ेगा। हालांकि पूना वाला के घर में रहने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, वो गेम में कुछ भी कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे थे। जो मुझे लगा इतने दिनों में, 5-6 दिन तो उन्हें हो ही गए थे घर में आए हुए, बहुत ही विश्वास के साथ आए थे कि मैं यहाँ गेम जीतने आया हूँ, मेरी बीवी ने बोला है कि 2 महीने तक वापस मत आना, तो बहुत सारी बातें उन्होंने बड़ी बड़ी की थी, लेकिन गेम खेलना जो है उन्हें वाकई में नहीं आया। वो सिर्फ दूसरों के झगड़े में जो है अपनी टांग अड़ा रहे थे, लेकिन उन्होंने अपना जो है कोई साथी बनाया हो, दोस्त बनाया हो, कनेक्शन बनाया हो, ऐसा कुछ दिखा नहीं। तो पूनावाला का जो एलिमिनेशन है, एविक्शन है, मुझे लगता है कि एकदम सही है, पूनावाला डिज़र्व करते थे। दूसरी तरफ जो था माहिरा, मुझे लग रही थी क्योंकि वोटिंग में वो जो है उनसे एक स्टेप ऊपर थी, लेकिन माहिरा का क्या, मुझे लगता है कि सना पारस की जो लव स्टोरी का एंगल थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा था, उसमें माहिरा के साथ जो ट्रायंगल बन जाता वो देखने में मज़े आते, तो मुझे लगता है कि उनके शो में, उनके घर में रहने से शो में कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट ज़रूर आता है, लेकिन पूनावाला के आने या निकलने से बिग बॉस के घर में हालांकि खास कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं था। तो उनका एलिमिनेशन जो है मुझे एकदम सही लगता है। और अब एक नई एंट्री हो रही है, विशाल आदित्य सिंह, नाम काफ़ी भारी है, टीवी इंडस्ट्री के बड़े नाम रह चुके हैं, नच बलिए, बेगूसराय, चंद्रकांता जैसे सीरियल में देखे जा चुके हैं। तो देखते हैं कि वो वाइल्ड कार्ड एंट्री जो है वो इस शो में क्या लाती है। आज सलमान खान ने रश्मि से कुछ ज़्यादा बात नहीं की, हालांकि हम देख रहे हैं कि रश्मि ने जब से री एंट्री की है वो फिर से वही सिद्धार्थ के मुद्दे पर लगी हुई है, जो मुझे लगता है कि उन्हें अपना गेम वाकई में बदलने की ज़रूरत है अगर उन्हें इस गेम में आगे बढ़ना है। अरहान की मैं बात करूँ तो अरहान को उन्होंने बोला भी कि तुम बाहर जाके क्या देखोगे भाई, तुम बार बार धमकी देते रहते हो सिद्धार्थ को, तो उन्होंने बोला कि जो तुम बाहर जाके करोगे वो घर में भी कर सकते हो, यानी कि लड़ाई झगड़ा, तो अगर तुम वो घर में करोगे तो हम तुम्हें ऐसे ही बाहर फेंक देंगे, तो जब तुम्हें बाहर घर के अंदर अपनी इमेज की चिंता है तो बाहर जाकर क्यों नहीं। तो साफ सी बात है, सलमान का ये कहना था कि इस तरह की लड़ाई झगड़े छोड़ दो, कुछ तो नया लाओ। गौतम गुलाटी को आज जो है लाइव कॉल पर लिया गया, और सना तो उनकी फ़ैन रही है, बार बार पारस को बोला भी है कि मैं गौतम गुलाटी की फ़ैन रही हूँ। तो जैसे ही गौतम गुलाटी कॉल पर आए तो सलमान ने ताना मारा सना को, जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, क्या आप तुम पारस को छोड़ दोगी। मतलब उनका कहना था कि तुमने पारस को पकड़ा, सिद्धार्थ को छोड़ा, अब गौतम गुलाटी को देखकर क्या तुम पारस को छोड़ दोगी। तो जो है सलमान चुटकी लेने में तो बिल्कुल पीछे नहीं रहते हैं, तो वो बहुत ही मज़ेदार पॉइंट था। वहीं भाऊ, मैं वाकई में कहना चाहूँगी कि हिंदुस्तानी भाऊ, हमने उनकी वीडियो देखे हैं, वो हमेशा गाली देते हैं या लोगों पर उंगली उठाते हैं, लेकिन 6 से 8 दिन हो गए हैं उन्होंने घर के अंदर एक गाली नहीं दी। वहीं जब भी लड़कियों के लिए गलत बात की जाती है, गलत भाषा का इस्तेमाल होता है, तो भाऊ ही है जो हमेशा खड़े होते हैं और बोलते हैं कि घर के अंदर ऐसी भाषाओं का इस्तेमाल मत करो। तो मैं यहाँ पे जो भाऊ है ना, मुझे लगता है कि बहुत ही जेन्युइन गेम खेल रहे हैं, एक रिस्पेक्ट गेन कर रहे हैं, एक वही एक ऐसे हैं जो बाहर से अलग अपनी इमेज लेकर आए थे और घर के अंदर उनकी इमेज जो है लोगों तक दूसरी जा रही है। बाकी हम देवोलीना, रश्मि, सिद्धार्थ, जिस तरह की इमेज हम देखते थे स्क्रीन पर, उनकी रियल लाइफ में इमेज क्या है वो हमें बिग बॉस के घर में देखने को मिल रहा है, लेकिन भाऊ जिनकी इमेज बाहर यही थी कि वो गालियाँ देता है, कुछ भी बोल देता है, भाऊ जो है वो इज्जत भी बना रहे हैं, गेन कर रहे हैं, ना सिर्फ दर्शकों की बल्कि घर के अंदर भी, क्योंकि बाकी लोग भी उनकी बातें सुनते हैं। अब जाते जाते मैं जिक्र करूँगी कल के आने वाले एपिसोड का। कल के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि सना जो है बताती हुई नज़र आएंगी, अब जो है धीरे धीरे वो जो चीज़ें हुई थी उनके बीच में, हिमांशी के बीच में, कि तूने टेप लीक कर दी थी, तूने ये किया था, तुम अपनी इज्जत बचाने के लिए मुझे बदनाम कर रही थी, तो मुझे लगता है कि आने वाले हफ्तों में जो है हिमांशी और सना का जो है मुद्दा छाया रहेगा। हालांकि बिग बॉस ने जो है पैच करने के लिए बोला है और सिद्धार्थ को भी बोला है कि तुम अपने एग्रेशन पे और ज़ुबान पर लगाम दो, देखना होगा, क्योंकि वाकई में मैं कहूँ सिद्धार्थ को तो दर्शक भी जो है ना वो उनकी इस चीज़ से बिल्कुल नाखुश होगा कि जिस तरह की इमेज वो कैरी करते हैं, उन्हें घर के अंदर जो है थोड़ा संभल के अपना एग्रेशन कम दिखाना चाहिए। हालांकि मैं ये मानती हूँ कि बाकी कंटेस्टेंट भी जो है उनको उकसाते हैं, लेकिन उनको थोड़ा जो है संभल कर खेलना चाहिए क्योंकि वो इस घर में जो है एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट रह चुके हैं। तो आने वाले हफ्ते में देखना होगा कि क्या बिग बॉस के कहने पर, सलमान के कहने पर, हमें सना और हिमांशी के बीच में दोस्ती और सिद्धार्थ और सना के बीच में दोस्ती नज़र आती है या नहीं। और अगर ऐसा होता है तो मुझे लगता है घर के लड़ाई झगड़े कुछ कम होंगे
और जो है बिग बॉस को देखते हुए थोड़ा मज़ा ज़रूर आएगा। आपको मेरा रिव्यू कैसा लगा नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।